मिला है तो हमको एक, चलिए 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 आप चलते रहिए, इन लोगों को वहीं छोड़िए। लगता है गैस वैस मिला है, लोग बात कह रहे हैं कि गैस हर घर में पहुंचा दिया, आप लोगों को भी मिला है क्या? क्या लगता है सरकार सही चल रही है? सरकार अच्छे हैं, मोदी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं हम लोगों से। कुछ ऐसी चीजें बताइए, हम लोग के घर बनवाए हैं, हम लोग तो रहते हैं। अच्छा, आप लोगों का घर भी बना है, गैस भी मिला? क्या नाम है आपका? गुड़िया जी, क्या लगता है, आप महिलाएं हैं, लोग बात कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ गया महंगाई, क्या लगता है आप लोगों की रसोई सही चल रही है? तो क्या कुछ है प्रॉब्लम? 500 रुपया घर का खर्चा है पकड़ के चलिए। अच्छा, तब तो बड़ी दिक्कत होती होगी। दिक्कत तो है, बहुत ज्यादा दिक्कत। क्या लगता है, क्या लगना है भाई आगे? आप लोगों का सलूशन कौन ऐसा लगता है कि निकाल पाएगा? उम्मीदें हैं सरकार से? ये तो यही है कि कुछ किया जाए भाई हम लोग के लिए भी। हाँ, ये तो यही लगा। किस सरकार से उम्मीद है आपको? अब यही हमारे भाजपा सरकार है। किसी सरकार से आपको उम्मीदें हैं? अब उम्मीद तो पहले अब जागा था, मतलब कांग्रेस का वही सोच रहे हैं कि कांग्रेस का वोट देने के लिए। देखिए, वोट लगता है कि कुछ सरकार ने कुछ काम अच्छा किया है। काम अच्छा किया है लेकिन महंगाई की अगर जो देखे तो नहीं, मतलब काम अच्छा हुआ है लेकिन महंगाई को लेके सरकार फेल रही है। ये नमस्कार, मैं अमरवड़ी मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी। ये जो चौराहा है, आप बड़े बन चौराहा इस चौराहे के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं आपको ई रिक्शा दिखाई दे रहा होगा, जो कि आपको ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वातावरण के लिए ये जो रिक्शा ई रिक्शा निकला हुआ है ये कितना फायदेमंद है। अब चूंकि ई रिक्शा चालक भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, और इन्हीं ई रिक्शा चालक के साथ आज हम लोग थोड़ा सा सफर करेंगे और इनके अपने बारे में जरूर जानना चाहेंगे, और इनसे चुनाव के बारे में भी पूछना चाहेंगे कि एक्चुअल क्या चल रहा है, ये ई रिक्शा लेने का इनका मोटिव क्या सही था, या फिर ये वाकई में परेशान चल रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं उन्हीं से जानना चाहेंगे। कैमरामैन साहब, एक बार गाड़ी में आइए और बैठिए, और बैठ के आज इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम सबलू है भाई साहब। सबलू जी, जी। कहाँ के रहने वाले हैं भैया? ये बस्ती के निवासी हैं। बस्ती के जी। अच्छा, ये ई रिक्शा आपका है जी, तो इसको ई रिक्शा लेने का आपका मोटिव क्या था भैया? इस मोटिव यही था, कारोबार है नहीं, और जो है ना तो खेत वोत भी है, बस वही है, मकान में रहते हैं, बस उसी सीधे गाड़ी गुजारा चल रहा है, वही काम कर रहे हैं। भाई साहब, क्या लगता है कि जैसे आपका ई रिक्शा है, कितना दिन पहले ले लिए इसको? अभी इसको एक हफ्ता हुआ भाई साहब, सिर्फ एक हफ्ता। अच्छा, मोटिव कैसे आया कि ई रिक्शा ले लें और हमारा सही से गुजारा चलेगा, घर बार चलेगा? मोटिव यही है, घर में तीन बच्चे हैं पढ़ने वाले, या उसके बाद में और कारोबार भी उतना कोई नहीं समझ में आ रहा था, और 300-400 रुपये मिलते हैं, उससे क्या खर्चा होने वाला है? तो कहने मतलब यही है, तो सोचे कि इसको किस्त पे करा ले 20-25 हज़ार, फिर तो वही किए है घर परिवार चलाने के लिए। और अच्छा, आपको क्या लगता है इस सरकार में या इससे पहले जो सरकारें थी जी, कौन सी सरकार सही चल रही है? भैया, इस समय सरकार कोई भी रहे उससे नहीं मतलब है। अच्छा, कहने का मतलब ये महंगाई बहुत है, महगाई अब जो कमाते हैं, हाँ महंगाई जो कमाते हैं वो समझ लीजिए कि बचा बात है भैया, और जो है स्कूल में पढ़ाना सिखाना, और रोज जो है मतलब रोजमर्रा वाली जिंदगी है भैया, वही बस खाते रहो खिलाते रहो, एक पैसा ना बच पाता है ना कुछ कर पाते हैं, बस वही। महंगाई का कारण क्या है, कुछ बताएंगे इस पे? महंगाई का कारण यही है भैया कि हम लोग जो है कितना करके भी जो है कमा लें, समझ लीजिए कि ये जान लीजिए कि गाड़ी का किस्त नहीं निकाल पाते, ऐसा वक्त है। पर डे का कितना आ जाता है? पर डे का अब यही जान लीजिए कि अभी बहुत ज्यादा जब 50-60 रुपए कमाए। भाई सीधा चला लो, आप सीधा चला लो, सीधा चलते हो, और जो है समझ लीजिए कि हम 8 बजे निकाले हैं, अभी बज रहा होगा 10:45 हो रहा होगा। अच्छा, अब यही जान लीजिए कि मतलब बहुत ज्यादा 60-70 रुपए कमाए बस। हाँ, एकदम समझ लीजिए ठंडा है, तक 1-1.5 घंटे से बड़े बन यहाँ पे बैठे हुए, कोई मतलब नतीजा। अच्छा, नहीं एक बार अब हम जा रहे थे रोडवेज, वहाँ पे देखने रहे कि मतलब ये कुछ वहाँ से सवारी निकल जाए, रोडवेज से आप जा रहे हैं जी, और सोच रहे हैं वहाँ से कुछ सवारी निकल जाए। निकल जाए तो क्या लगता है कि ई रिक्शा खरीद के ही आपने गलती कर दी?
दिया क्या? हमको भी ऐसा लग रहा है कि अगर नहीं निकल पाएगा तो हमारी गाड़ी का ही रिक्शा आ जाता है ये भैया। रिक्शा आ रहा है 1,60,000 का आ रहा है। 1,60,000 का जी। तो इसमें कुछ आपको देना भी पड़ता है या वैसे मिल जाता है? महीने का 8,500 का किस्त बना है। किस्त बना है और कुछ डाउन पेमेंट भी आपने किया था? 16,800 रुपया 16,800 आपने डाउन पेमेंट कर दिया और 8,000 कुछ का आपका किस्त हो गया जी। लगता है कि इस किस्त से या जिस तरीके की यहाँ पे सवारी है या यहाँ का जिस तरीके से रोड है जी। चलने के लिए या लोग हैं जी। क्या लगता है कि ये आपका ये सारा चीज हो पाएगा? अब ये तो भगवान के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हम कष्ट कर रहे हैं देने वाले तो वो है, लेकिन मेहनत आप कर रहे हैं। हाँ, देने वाला ऊपर वाला ऊपर वाला है। अच्छा एक चीज हमको बता दीजिए, और नवयुवक है किस मुद्दे को लेके वोटिंग करनी चाहिए? हमको भैया पढ़ाई लिखाई बच्चों का, महंगाई इतनी है, महंगाई देख ही रहे आप, जो कमाओ तो लेके जो बचता ही नहीं, और उल्टा कर्जदार हो जाना पड़ता है, और उल्टा मतलब किराने की दुकान पे जाओ 150 और एक्स्ट्रा हो जाता है। ये वक्त ये दौर ऐसा चल रहा है बबलू जी। कुछ लगता है कि कोई ऐसी सरकार आप लोगों के बीच में आएगी कि आप लोगों का ये दर्द समझ पाए? हमारे कहने का मतलब सरकार कोई भी आवे, हम ये नहीं कहते हैं कि सपा आवे, भाजपा आवे, कांग्रेस आवे, उससे नहीं मतलब। हमारे कहने का मतलब ये है सरकार कोई भी आवे, बस हमको ये चाहिए कि मतलब हर चीज का सुविधा रहे, इतनी महंगाई ना रहे भैया। महंगा वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि किसी सरकार से आपको उम्मीदें हैं? अब उम्मीद तो पहले अब जागा था, मतलब कांग्रेस का वही सोच रहे हैं कि कांग्रेस का वोट देने के लिए। देखिए वोट दीजिए नहीं दीजिए, ले चलिए आप रोडवेज ले चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं भैया, कोई वो नहीं। लगता है कि कुछ सरकार ने कुछ काम अच्छा किया है? काम अच्छा किया है, लेकिन महंगाई की अगर जोड़ देखे तो नहीं। मतलब काम अच्छा हुआ है लेकिन महंगाई को लेके सरकार फेल रही है। ये जैसा कि आप सुन रहे थे, ई रिक्शा चालक भी हैं, उसके मालिक भी हैं बबलू जी, लेकिन उनका दर्द एक ही है कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई को सरकार कोई भी आए सरकार को कम करना चाहिए, ये महंगाई खत्म होनी चाहिए। फिलहाल जो भी आप लोगों का विचार है जरूर रखिएगा। आज जिस सफर में हम लोग निकले हैं, इस सफर में जो सफर करने वाले हैं उन लोगों से बात कर रहे हैं और आप लोगों तक पहुंचाना इसलिए चाह रहे हैं कि कम से कम जो आम जनता जो सफर करती है उस सफर में क्या सफर है, उस सफर को जानना चाहेंगे। पहले तो इनसे आपका परिचय कराएं, क्या नाम है आपका? हजरत अली। हजरत अली जी, ये कहां से कहां चलाते हैं? बस यही सिटी में चलते हैं, कचहरी से स्टेशन, स्टेशन से कचहरी, रोड पे पक्के। अच्छा अच्छा, पर डे का क्या आ जाता है, कुछ आ जाता है? पर डे का क्या आ जाता है, बस यही 300-400 बस ऐसे ही आता है। बस थ्री व्हीलर आपका है किसी दूसरे का? दूसरे का है तो 300-400 रुपए आपका आ जाता है। हाँ। और मालिक को बचा के दे देते हैं। हाँ। कितने रुपए में आपको देता है मालिक, कितने रुपए में? 300-350 ऐसे दे। अच्छा इतना मालिक को देना पड़े, लगता है कि इतने में गुजारा चल जाएगा 300-400? कुछ नहीं नहीं चल जाएगा। हाँ क्या लगता है फिर महंगाई इसमें क्या, 500 रुपया घर का खर्चा है पकड़ के चलिए। अच्छा तब तो बड़ी दिक्कत होती होगी। दिक्कत तो है, बहुत ज्यादा दिक्कत। क्या लगता है लगना है भाई आगे आप लोगों का सलूशन कौन ऐसा लगता है कि निकाल पाएगा? यही है कि जो हमारे कुछ उम्मीदें हैं सरकार से, उम्मीद तो यही है कि कुछ किया जाए भाई हम लोग के लिए भी। हाँ उम्मीद तो यही है। किस सरकार से उम्मीद है आपको? अब यही हमारे भाजपा सरकार है जो है, उम्मीद है भाजपा से। चलिए चलिए आप चलते रहिएगा, थोड़ा हम भी चलेंगे आज वहाँ तक आपके इस रोडवेज पे। रोडवेज चल रहे हैं ना? रोडवेज तक चलेंगे। और कुछ यहाँ पे महिलाएं भी हैं, जननी से बात करना चाहेंगे। एक बार बैठो भाई, मिला है तो हमको एक। चलिए 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 आप चलते रहिए, इन लोगों को वहीं छोड़िए। लगता है गैस वैस मिला है, लोग बात कह रहे हैं कि गैस हर घर में पहुंचा दिया, आप लोगों को मिला है क्या? बोलो कि देश को क्या लगता है, सरकार सही चल रही है? सरकार अच्छे हैं, मोदी जी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं हम लोगों से। जो अपनी परेशानी है हम लोग कुछ कुछ ऐसी चीजें बताइए। हम लोग के घर बनवाए हैं, हम लोग तो रहेंगे। अच्छा आप लोगों का घर भी बना है, गैस भी मिला? हम लोग को क्या नाम है आपका? राधिका। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मतलब बस्ती में ही ना? हाँ, मधुकरपुर में। क्या आपका क्या नाम है? गुड़िया। गुड़िया जी,
क्या लगता है, आप महिलाएं हैं, लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ गया महंगाई, क्या लगता है आप लोगों की रसोई सही चल रही है? क्या कुछ है प्रॉब्लम है तो बताइए। अच्छा आप लोगों को यही उतरना है बस, चलिए निकलिए। आप तो सोचे आप लोग।